चलिए आज एक काम करते हैं आज शो की शुरुआत करते हैं दो मेन इश्यूज के साथ एक एच बैंक और एक मिड uh, कैप्स uh, hmm. उसके बाद हम फिर बाकी के क्यूज़ डिस्कस करेंगे uh, मैं एच बैंक के साथ शुरुआत कर देता हूँ लेकिन पहले एच बैंक अब देखिए ये जैसे कहते हैं एक ऐसा स्टॉक जो अब लिटरली रुला रहा है लोगों को hmm. और हैंड ऑन हार्ट आशीष इतना गिर जाएगा ये न गिरेगा स्टॉक ये हमारी बात हुई थी कि स्टॉक गिरेगा इससे थोड़ा दूर रहें लेकिन कल इसने फिफ्टी वीक लो ब्रीच कर दिया कल एच बैंक ने एक फिफ्टी टू वीक लो हिट किया जो एक मतलब अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है कि बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक वेट के हिसाब से फिफ्टी टू वीक लो पर एक्चुअली इसने इंडिकेशन उसी दिन दे दिए थे जब रिजल्ट के अगले दिन ये 200 डे मूविंग एवरेज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जिस दिन इसने तोड़ा था उसी दिन ये इंडिकेशन थे कि शायद और नीचे होगा लेकिन जैसे कहते हैं ना रहा सा काम किया एफ आई ने मैं आप गिन रहा था जब से नंबर्स आए एच डी एफ सी बैंक में डिलीवरी वॉल्यूम कितने हैं गैस करिए पच्चीस हजार करोड़ पच्चीस हजार करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम एक एक स्टॉक में इस लेवल की और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें ज़्यादातर एफ़ की ही ओनरशिप है तो एफ बेच रहे थे उसको सामने से डी खरीद रहे थे तो वो ठीक है वो हुआ और खाली एच बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ढाई हज़ार पॉइंट है एक एच बैंक की वजह से ये होता है जब आपका एक इंडेक्स जो है ना लॉप साइडेड होता है जब एक ही इंडेक्स एक ही स्टॉक करीब करीब एक तिहाई बन जाता है एक इंडेक्स का और चलता है तो बहुत अच्छे से चलता है लेकिन जब गिरना शुरू होता है तो यही प्रॉब्लम होती है और ये इस वजह से हुआ अब करना क्या है आपको देखिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और अगर आप मार्केट में नियर टर्म वॉलिटिलिटी को झेल सकते हैं तो ये सही समय है अब यहाँ से एच बैंक में भी एक एस शुरू करने का क्यों क्योंकि देखिए भाव और अच्छी खबर दोनों आपको साथ में अच्छे नहीं मिलेंगे इस समय आपको भाव अच्छा मिल रहा है क्योंकि खबर बहुत खराब है जब तक खबर अच्छी आएगी तब तक भाव यहाँ से निकल चुका होगा इन्फोसिस में क्या हुआ था इन्फोसिस में बॉटम कब बना था जब सबसे खराब नंबर्स आए थे तब बॉटम बना था अब ऑब्वियसली इस केस इस में शायद बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रही है अभी लेकिन अगेन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस हिसाब से लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इसमें बिल्कुल लालच ना करें बिल्कुल टेम्पटेशन से बचें इस स्टॉक में क्योंकि यहाँ अभी भी काफ़ी दिक्कत है और एक चीज़ इंडिया से नीचला अच्छे नंबर्स के बावजूद आई अभी कल फॉलो नहीं दे पाया अच्छे नंबर्स के बावजूद तो मुझे लग रहा है आज एक्सिस बैंक में भी ये इशू हो सकता है कि शायद खुले ऊपर लेकिन उसके बाद फिसल जाए एक्सिस बैंक का. और आप बैंक निफ्टी वो जो हमारा एक टारगेट था फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड का फोर्टी फोर ट्रिपल सिक्स टू हंड्रेड ए मूविंग एवरेज है मुझे लग रहा है एक बार के लिए तो फोर्टी फोर ट्रिपल सिक्स बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा उसके बाद देखते हैं कि कहां पर जाके मार्केट टिकता है टिकरदर्द पिछले हफ्ते से सरदर्द बना हुआ एच डी एफ सी बैंक सारे समीकरण लगातार बिगाड़ता पर आपने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़े थे एच बैंक और साथ साथ वो मिड कैप्स कल का एडवांस डिक्लाइन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा वन इज टू सिक्स एक चढ़ रहा था तो छह स्टॉक्स दबाव में थे और वायदा में ही अगर वो लिस्ट देखते तो सारे मोमेंटम वाले YR, CTC, वो आई आर सी टी सी वो बी एच ई एल लिस्ट ऐसे ही थी जिनकी तकड़ी पटाई कल हो रही थी क्या हो कह रहा है मिड कैप्स में मिड कैप में क्या हो रहा है बताता हूँ देखो क्या हाँ. होता है ना आशीष जब आपका मार्केट व्यू सिर्फ इस चीज पर डिपेंडेंट हो जाए कि पैसा बहुत आ रहा है मार्केट में स्टॉक चलेंगे मिड कैप की रैली क्यों हो रही है हैंड ऑन हार्ट बताइए इस समय मिड कैप की रैली जो चल रही है वो क्यों चल रही है सब लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ सारे मार्केट गुरु बड़े से बड़े मार्केट गुरु आके कह रहे हैं पिछले छः महीने से कि मिड कैप में रुक जाइए थम जाइए कल रामदेव जी ने भी आ, 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 आपको सरयू नदी से कहा था कि बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप चल चुके हैं क्यों 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 क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा पैसे की पावर भाई साहब बियॉन्ड अ पॉइंट ना कहीं आके रुकती है ठीक है ना मतलब ये फिल्मी डायलॉग नहीं है लेकिन कही कहीं ना कहीं आके रुकती है और बहुत सारे स्टॉक्स ने कॉशन लेवल को क्रॉस किया है एक तरफा रैली हुई है सबका सिर्फ एक वो था बहुत पैसा आ रहा है कहाँ जाएगा मिड कैप नहीं आएगा कहाँ जाएगा मिड कैप नहीं आएगा ऐसे नहीं होता है और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको आशीष एक चीज़ आपको याद होगी मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था इस करेक्शन से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रेवेक की बात की थी मैंने प्रेवेक का चार्ट दिखाया तो मैंने दिखाया था कि किस तरीके की प्रेवेक् में रैली हुई और क्या वो जस्टिफाइड थी आधी दुनिया को तो पता भी नहीं था जिन्होंने स्टॉक ले लिया था कि प्रवेग करती क्या है वो सिर्फ वो सुनकर कि अयोध्या कनेक्शन उन्होंने प्रवेग लिया के प्रवेग प्रवेग दो करोड़ की प्रॉफिट वाली कंपनी वो दो सौ करोड़ के मतलब मार्केट कैप पे पहुंच गई थी ठीक है अब देखिए वहां से प्रवेग कितना गिरा चौदह पंद्रह परसेंट गिर गया अब जो एकदम टॉप पे चला गया प्रवेग में उसके लिए शायद ये लेवल अगले दो साल तक ना आए ये भी पॉसिबल है और या आए ही ना ये भी पॉसिबल है ठीक है ना तो इसके लिए ये हमेशा पैसे की पावर जो होती है ना वो जब स्टॉक्स हंड्रेड टू हंड्रेड टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करने लगे जाए और मैं आज फिर कह रहा हूँ ऐसे बहुत प्रवेस हैं और मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको अगर आप आप कहेंगे ये तो हो चुका है आप क्या अब ये कि अगर आपके पास अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ पैसे के दम पे चले हैं और 100, 200, 300 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं प्लीज़ प्रॉफिट बुक करिए और एक और चीज़ मिड कैप में तो शुरुआत अभी शुरुआत हुई है सेलिंग की अभी हुआ का अभी अभी पैनिक सेलिंग तो आई नहीं है अभी एक बार जब आनी शुरू होती है ना पैनिक सेलिंग इनमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप में फिर ये स्टॉक्स जो है ना काफ़ी टाइम तक पानी नहीं मांगते देखिए मैं डरा नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत पैसा बनाया है तो प्लीज़ उसको बचा के रखिए एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं आई का चार्ट लेकर आइए आई का एक तो कल का चार्ट और एक इसका एक साल का चार्ट आप में से कितने लोगों को पता है कि आई का कितना मार्केट कैप हो गया और कितना प्राइस टू बुक हो गया ये एक साल का चार्ट है थ्री ठीक है ना तेईस चौबीस रुपये पर हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, से कुल मिला के बत्तीस एम्प्लॉई हैं जो एक ही कमरे में मतलब बैठते हैं वहाँ पर कहीं दिल्ली में कहीं पर एक एक जगह पर ठीक है ना क्या लोगों ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में ये डिजर्व करता है इस मार्केट कैप पर ट्रेड करने का या सिर्फ पैसा चेज कर रहा है तो इसके लिए ठीक है और क्या होता है मार्केट में लार्ज कैप में इस तरह से करेक्शन स्टार्ट होता है और एक बार पैनिक स्टार्ट होता है फिर उसके बाद वो उस स्टैपेड बन जाता है उसके बाद हर कोई सोचता है कि पहले मैं बेचूँ पहले मैं बेचूँ ये तरीके ये रीज़न हो जाता है इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल कर चले हो सकता है कि वापस मिड कैप में रैली आ जाए लेकिन मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मुझे तो मिड कैप में यहां से अच्छी खासी करेक्शन दिखती है और वो करेक्शन हो जाए उसके बाद मार्केट आपको अच्छे लेवल देगा कैश संभाल के रखिए अपना अपना कैश संभाल के रखिए मार्केट में अच्छे लेवल्स आएंगे बाय करने के तब बाय करिएगा ब्यूटिफुल ये है भाई साहब वो मिड कैप का पे खैर अब आते हैं आज के सेशन की अप्रोच पे पहले दिखाइएगा वेनसडे के दिन के गिफ्ट निफ्टी के संकेत ध्यान रखिएगा आज कोई वीकली एक्सपायरी स्केड्यूल नहीं है अब सब कल का कर इंतजार करिए आज पेनल्टीमेट सेशन है कल मंथली एक्सपायरी की हमें करनी है तैयारी उंगलियां थोड़ा सा ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं साठ सत्तर पॉइंट के हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के पर जितना अच्छा दिख रहा था कल सुबह का मूड माहौल जैसे एशिया कल सब रिजॉय कर रहा था यूएस से हैंडओवर बढ़िया था आज थोड़ा सा मिला जुला सब कुछ समीकरण है हम ठीक दिख रहे हैं लेकिन देखिए एशिया और ऐसे ही दिखाइए प्लीज कल का यूएस डाव दबाव में एस एन पी नाचदायक हल्के हल्के हरे में तो दरअसल हमारे लिए संकेत है कैसे मूड माहौल है कैसा पहले उसको समझ लेते हैं फिर आज के सेशन के अप्रोच पे आएंगे गुड मॉर्निंग भाई साहब कैसा लग रहा है देखिए अमेरिका के बाजारों को आप देखेंगे तो वहां वैसी चिंता नहीं है ब्रॉडर मार्केट में तेज़ी है और एग्जैक्टली रिज़ल्ट पर रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर जिसके रिज़ल्ट जैसे आ रहे हैं वैसे ही मार्केट्स को रिवार्ड कर रहा है कल थ्री एम के नतीजे कमज़ोर आए ख़राब आए तो डाउ पे उसका इम्पैक्ट दिखा लेकिन बाकी नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो इसलिए आपको बाकी डेक्स में तेज़ी दिख रही है और वहाँ तो रिकॉर्ड पर हाई लग रहे हैं अपने आप भले ही कमज़ोरी हो बट वहाँ आपके एस एन पी एन एस डेक में हाईस पर हाई लग रहे हैं डेली तो वहाँ का सीन ये है कि रिजल्ट पर रिएक्शन और जो एक होप बिल्ट हुई थी कि बहुत जल्दी रेट कट हो जाएगा वो सब वो बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है अब वो होश में ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने मान लिया कि मार्च में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अब देखा जाएगा जून उन में कहीं पर होगा और चूँकि इसी हफ्ते के अंत तक या इकतीस हफ्ते के अंत तक नहीं तीस इकतीस को फेड की बैठक है इस हफ्ते जीडीपी का नंबर भी आना है पीसी इंडेक्स का नंबर भी आना है तो इन सारे नंबरों के मद्देनज़र मार्केट वहाँ का बहुत कॉशियस मोड पे है लेकिन डेली हाई बना रहा है तो कहने का मतलब ये कि बहुत संभल संभल कर मार्केट चल रहा है और नतीजों पर रिएक्शन दे रहा है जैसा कि हमने बहुत पहले कहा था कि इस क्वार्टर के रिज़ल्ट यूएस मार्केट की दिशा तय कर देंगे और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है तो अब तक जो रिजल्ट आए हैं उसमें एस के ज़्यादातर नंबर या तो मिक्सड हैं या बेटर हैं अभी तक किसी ने बहुत ख़राब गाइडेंस नहीं दिया एक्सेप्ट थ्री के यूनाइटेड एयरलाइंस ने क्यू वन का गाइडेंस बहुत ख़राब दिया है क्योंकि बहुत सारे बोइंग नीचे आ गए हैं ज़मीन पे ग्राउंडेड है लेकिन पूरे साल का गाइडेंस उनका अच्छा है तो मार्केट वैसे रिएक्शन दे रहा है लेकिन मुझे लगता है यूएस मार्केट के क्यूज़ को अगर आप एक लाइन में पढ़ना चाहें तो अच्छे क्यूज़ हैं वहां से कोई कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है बॉन्ड बाउंडील थोड़ी ऊपर गई है उसके बावजूद मार्केट वहां पर रेजिलियंट है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हाई इंडेक्स लेवल पर हम लोग सुबह चर्चा करें थी वो भी फॉरवर्ड लुकिंग में उन्नीस के मल्टीपल चला गया जो दस साल के एवरेज से ज्यादा है तो

अदर देन उसको एक ट्रेंड के तौर पे वहां पे तो वहां पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में मोमेंटम जस का तस इंटैक्ट डिसेंट हैंडओवर हमें ग्लोब से मिलता हुआ अब आइए आज के पहले ट्रेड सेटअप पे कुछ एक्सरसाइज की बात बार बार हो रही थी इस प्लेटफॉर्म पे चीख चीख के वो हाइज और लोज एक्सचेंजेस स्टॉक्स बी पर वो धड़ल्ले से सारे के सारे एफएनओ कर्व में जो स्टॉक घुरते ही चले जा रहे थे आई एम श्योर कल कुछ हद हाँ तक एक्सरसाइज वाइप आउट हुए होंगे मिसाल के तौर पर छह स्टॉक तो वायदा कब से बाहर आ गए एक ही दिन में सेटअप है कैसा समीकरण बैठ कैसे रहे देखिए सेटअप का ऐसा है कि नंबर्स में आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा जिससे लगेगा कि इतनी सेलिंग हो गई मार्केट में एक चीज बता दूं मैं कभी भी डे टू डे के नंबर्स को मैच करके ये मत सोचिए कि मार्केट में सेलिंग कहाँ चाहिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पर एक ही दिन में एफ आई आई डी आई आई सब ने बाय किया फिर भी मार्केट गिरता है मार्केट में एक चीज होती है इनविजिबल हैंड अब वो इनविजिबल हैंड किसका होता है यू नेवर नो ठीक है बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि किसका था वो हमें नहीं पता वो मतलब है? पूछते हैं दोनों खरीदे, बेचा किसने हाँ, तो इनविजिबल तो कई... हैंड <laughs> है वो और वो इनविजिबल हैंड वैसे कई बार एक्टिव हो जाता है और खास तौर से इलेक्शन के आसपास बहुत ज़्यादा वो एक्टिव होता है ठीक है <laughs> तो क्या होता है कि ये मार्केट में ना आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को हम डे टू डे सेटअप की बात करते हैं जरूर है कुछ मार्केट सेटअप से अलग होती हैं कुछ मार्केट लेवल बेस्ड होती हैं हम रोज लेवल बेस्ड मार्केट की बात करते हैं ये वाली मार्केट लेवल बेस्ड नहीं है ये वाली मार्केट ट्रेंड बेस्ड है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें काम करती हैं कहाँ पुट राइटिंग हुई कहाँ कॉल राइटिंग हुई कहाँ पर एफ शॉर्ट है कहाँ पर एफ लॉन्ग है ट्रेंड बेस्ड मार्केट में ये कुछ काम नहीं करता लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि नंबर्स क्या है ठीक है उसके बाद मैं स्ट्रेटजी पे आऊंगा ना पूरा उसके बाद उसको आपको अच्छे से समझाऊंगा नंबर्स के हिसाब से एफआईआई ने कोई तीन हजार करोड़ बेचा जिसमें से काफी कुछ तो ऑब्वियसली हम बार बार एज्यूम कर रहे हैं कि एच बैंक में आ रही है सामने दो करोड़ खरीदा इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों में एफ ने खरीदा है कल कल इंडेस फ्यूचर में दो करोड़ के करीब की बाइंग हुई है करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में साढ़े करोड़ की बाइंग हुई है बैंक निफ्टी फ्यूचर में कल साढ़े तीन सौ करोड़ की बाइंग हुई है उसके बाद बैंक निफ्टी गिरा इस तरीके से ठीक है ना तो क्या होता है ना कई बार ये नंबर्स की सिग्निफिकेंस होती नहीं है सिग्निफिकेंस होती है स्क्रीन की मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मेरे लिए तो स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रीन देख के समझ में आ जाता है कि कुछ मार्केट में गड़बड़ है या नहीं है कल भी हमारी क्या बात हुई थी कि आज के अगर गैप अप में सेलिंग आ गई तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा एक व्यू ये बन सकता है कि शायद अगर इक्कीस दो सौ पिचासी रुक जाए तो रुक गई करेक्शन नहीं रुका तो फिर बहुत बड़ी करेक्शन आ सकती है मार्केट में कल जिस तरीके से गैप अप पर रुके ही नहीं आप वो क्लियर हो गया था मार्केट में अगर आपकी अप्रोच हो कि मेरे को सेलिंग में भी पैसा बनाना है ना कल बहुत पैसा बना था कल बहुत पैसा बना था सेलिंग में मार्केट में एफ एन ओ किस लिए दोनों तरफ से काम करने के लिए ना हेज करने के लिए भी है सेल करने के लिए भी है वो आना चाहिए बेसिकली इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी मामला ठीक ठाक है एफ का वो लॉन्ग शॉर्ट जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा इसका कोई मीनिंग नहीं है पुटकॉल रेशियो पॉइंट पर आ गया अब क्या है पॉइंट नॉर्मली मेरे ख्याल से पॉइंट पर हम आज हैं आज के गैप में मुझे लग रहा है सेलिंग आएगी मुझे लग रहा है कल भी सेलिंग आएगी मार्केट में वो आपको ले जाएगा एकदम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड hmm. उसके बाद बजट आ जाएगा फेब्ररी सीरीज में मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी रिकवरी दिखाएगा आपको जनवरी सीरीज के शुरू में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जनवरी की सीरीज बहुत खराब रहती है मार्केट के लिए चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो और वॉलिटिलिटी अगर आप नहीं झेल सकते तो दूर रहें मेरे ख्याल से ये सीरीज एक्सपायर हो जाने दीजिए उसके बाद आइए अगले दो दिन में भी ये मुझे लग रहा है सेलोन रैली में आपका अच्छा पैसा बनेगा वैसे मैं ये बात अभी आपको बता देता हूँ बैन के जहाँ तक बात है जैसे आपने कहा एक अच्छी चीज़ हो गई कि अब बैन से बाहर आने शुरू हो गए स्टॉक्स आई ई एक्स सेल ए डेल्टा कॉप पॉली कैप जी एंटरटेनमेंट अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी होगी पहले बैन में वो स्टॉक्स जाते थे जो बहुत ज़्यादा चलते थे आजकल बैंड में वो स्टॉक्स जाते हैं जहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जैसे कि जी पॉली कैप ये सारे के सारे स्टॉक्स तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज जब जी बाहर आएगा बैंड से आ, मुझे लग रहा है कि आज इसमें शायद और थोड़ी सी फॉलो थ्रू सेलिंग शायद होनी चाहिए यहाँ पर नहीं। नहीं। लेकिन खैर सेटअप न्यूट्रल है थोड़ा ओवरसोल्ड है लेकिन थोड़ा ओवरसोल्ड अभी काफी ओवरसोल्ड बनने की हैसियत रखता है ये मेरा मानना है ठीक है सेटअप से ये समीकरण निकल के आ रहे हैं अब ऑल इंपॉर्टेंट आज के निफ्टी फिफ्टी का अप्रोच बड़े ट्रेंड में करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं या फ्रंट बातचीत में निकल कर आया था स्विंग लोस थे 21, के वो संभले नहीं कल बाजार में अब हम उसके उसके नीचे नीचे चल रहे हैं उसके नीचे चलने का मायने और अब हम कहा जा रहे हैं क्या मूड मॉल है निफ्टी का अप्रोच अब कैसे रखा जाए देखिए निफ्टी पर अब नेक्स्ट लेवल टू तो वॉच और अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ लेवल सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ टेक्सटाइल मार्केट का खराब है हाँ। लेकिन फिर भी बहुत लोग जानते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल क्या है क्योंकि मार्केट वन वे में तो गिरेगा नहीं बीच बीच में रिकवरी भी आएगी मुझे लग रहा है ट्वेंटी नाइन सेवेंटी वन जो कि फिफ्टी डे मूविंग एवरेज है और ट्वेंटी वन थाउजेंड एटी थ्री जो फिफ्टी डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अब ये आपके लिए एक नियर टर्म में एक थोड़ा सा सपोर्ट का काम शायद करेंगे लेवल uh, आ गया आपकी स्क्रीन पर ट्वेंटी नाइन सेवनटी वन फिफ्टी डी एम और ट्वेंटी वन जीरो एटी थ्री फिफ्टी डे एक्सपोनशल मूविंग एवरेज लेकिन मार्केट का टेक्सचर बहुत ख़राब है और टेक्सचर सिंपल है सेलोन रैली अच्छा एक चीज़ तो बता दूं आपको अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही है और अगर आपको सत्तर अस्सी पॉइंट का गैप अप मिल गया सीधा पुट खरीद लें कल वाली सीधा कल वाली पुट खरीद लें मैं विदाउट एनी हेजिटेशन बोल रहा हूँ आपको ये सत्तर अस्सी पॉइंट ऊपर खुले कल वाली पुट खरीद लें इन बिल्ट स्टॉप लॉस होगा उसमें आपका क्योंकि जो भी आप प्रीमियम देंगे वो स्टॉप लॉस होगा और वो उसमें आपको अच्छा पैसा बनेगा अच्छा पैसा बनेगा बनना चाहिए अच्छा पैसा बनेगा तो खैर कभी नहीं कहना चाहिए अच्छा पैसा बनना चाहिए उसमें रैली जैसी फ़ेल होगी उसमें और शॉर्ट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं थोड़े शॉर्ट्स जैसे खुलते ही ले लें ले और थोड़ा जैसी रैली फेल हो वहाँ पर ऐड कर लें उसके बाद बाकी का काम मार्केट को करने दें बाकी का काम मार्केट कर लेगा एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आज आज मैं डे ट्रेडिंग स्ट्रेटी के बजाय एक और चीज़ सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको जब भी जब भी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट गैप हो उसे यूज़ करना सीखिए क्या मतलब अप ट्रेंड में गैप डाउन मिले आँख बंद करके बाय करिए डाउन ट्रेंड में गैप अप मिले आँख बंद करके सेल करिए ये सिंपल स्ट्रैटजी है गैप अप में अगर ट्रेंड अप में अगर गैप डाउन ख़रीदना है ट्रेंड डाउन में गैप अप है बेचना है बहुत सिंपल स्ट्रैटजी है ये इसको यूज़ करिए 80 परसेंट चांस हैं आपका पैसा बनेगा 20 परसेंट चांस ये है कि आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका थोड़ा सा पैसा जाएगा वो ट्रेडिंग का रिस्क आपको लेना पड़ेगा और एक और चीज़ ये मंथली एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी नॉर्मली ट्रेंडिंग होती है तो आज और कल मुझे लग रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा मिड कैप में तो आज मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज और हज़ार पॉइंट मिड कैप इंडेक्स गिर जाए तो एक बार खुलेगा ऊपर खुलेगा ऊपर क्योंकि आज सब कुछ ऊपर दिख रहा है खुलेगा ऊपर लेकिन फिर नीचे हो जाएगा इस समय रजिस्टेंस सपोर्ट ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है कोई ये लेवल बेस्ड मार्केट है नहीं ना कोई ये मतलब है कि यहाँ पर इस समय कहाँ पर अग्रेसिव पुट राइटर बैठा है या कॉल राइटर बैठा है उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस समय मार्केट में मार्केट में इस समय सिग्निफिकेंस है सिर्फ एक चीज़ की कि हर रैली पे सेलिंग आ रही है जब तक वो नहीं रुकेगी उसका तरीका क्या है दो दिन मार्केट को डे हाई पर बंद होना होगा और दो दिन मार्केट को इंटर में रैली दिखानी होगी इंटर में मार्केट को लो से रिकवरी दिखानी होगी और डे हाई पर जाके बंद होना होगा वो इंपॉर्टेंट है दो तीन दिन ये हो जाएगा ना तब मार्केट का टेक्सचर बदलेगा भाई साहब ये है पेनल्टीमेट सेशन जो है ऑल इंपॉर्टेंट कल की मंथली एक्सपायरी से पहले वाला उसका निफ्टी की रणनीति निफ्टी का अप्रोच मिड कैप्स आज भी पिटाई झेल रहे होंगे खैर एक्सरसाइज ठीक हो सिस्टम में फ्रॉथ हटे वो बेहतर होता है लेकिन आई एम श्योर ये सुन के आप लोगों में कईयों का ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं करेगा आज उसको भी पॉजिटिव लीजिए कभी कभी डाइटिंग करना अच्छा होता है <laughs> तो ठीक है ये निफ्टी का अप्रोच निफ्टी बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसने सरदर्द बनाया पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक साढ़े तीन परसेंट का दबाव उस पर सवा दो परसेंट कल के ट्रेडिंग सेशन में एच डी एफ सी बैंक पता नहीं कब संभलेगा उसकी अपफ्रंट चर्चा कर ली हमने लेकिन निफ्टी बैंक कर क्या रहा है क्या अप्रोच है क्या देखना है अब इस प्रॉप में देखिए बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो दूर रहें हाँ। <coughs> पिछले एक हफ्ते में दस दिन में अगर आपने बैंक निफ्टी में अग्रेसिव बनने की कोशिश की ना मार्केट ने आपको बहुत जोर से थप्पड़ मारा है बैंक निफ्टी में क्योंकि हर लेवल पर आपकी लॉन्ग में पोजिशन में स्क्वेयर ऑफ मतलब और क्या ना इसमें स्टॉप लॉस का कोई मतलब है कोई मतलब ही नहीं है स्टॉप लॉस में अगर आप इस तरीके से इंडेक्स गिरता है तीन ढाई हज़ार पॉइंट इंडेक्स गिरता है तो क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे आप और एक चीज़ अगर आपने शॉर्ट करना सीखा है मार्केट में तो बड़ा पैसा बना है बैंक निफ्टी में शॉर्ट में बड़ा पैसा बना है इसके इंडिकेशन थे एक हफ्ते पहले से जब हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने जिस जिन एच डी एफ सी बैंक के नंबर आए उन्होंने तो एक चीज़ की थी कि आठ सौ पॉइंट नीचे गिरे बैंक निफ्टी तब भी शॉर्ट करके पैसा बनेगा वहाँ पे क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अब तो इवेंट आ गया अब क्या फायदा नहीं इवेंट आने के बाद ही तो असली पैसा बनता है इलेक्शन आने के बाद असली पैसा बना अपसाइड पर एच बैंक के नंबर्स के बाद असली पैसा बना डाउन साइड पर खैर एनी वे बट अभी इस लेवल में मेरा जो टारगेट है फोर्टी फोर ट्रिपल सिक्स टू हंड्रेड मूविंग एवरेज वहां मुझे लग रहा है एक बार के लिए मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा क्यों क्योंकि टू हंड्रेड एडेड मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस होती है डेलेवेंस होती है इसके लिए एक बार वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा अगर वो टूट गया आशीष और क्लोज हो गया उसके नीचे तो और हजार पॉइंट तक की डाउन साइड ओपन हो जाएगी बैंक निफ्टी में वही है सिंपल मेरी बैंक निफ्टी में जैसे ही रैली फेल हो वहां पर बेचने का थोड़ा सा आप एक वो रखे, आ, हौसला रखें बीच बीच में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैलीज आएंगे लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक बात ये हो गई भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है देखते हैं किस हद तक आज और पेन झेलना है क्या थमेंगे कहा थमेंगे इन सब क्वेरीज का सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पर है कैसे अप्रोच कर रहे हैं निफ्टी निफ्टी बैंक उस पर डिटेल में हो गई चर्चा सीन बी सेवा का मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है एक एक करके सब जुड़ते चले जा रहे हैं कुछ ही देर में आज ही कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक